तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑफ एंड आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जो कि आपके जो हमारा सेकंड यूनिट था उसके अंदर हमें पढ़ना है सीओए के अंदर। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो कंसेप्ट डिस्कस किया, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, जिसमें हमने एक चार्ट को बताया था कि आपके लिए कौन कौन से एलिमेंट के लिए कौन कौन से नंबर हमें बाइनरी में लिखने होंगे। जैसा कि ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, इस चार्ट के अकॉर्डिंग चीजों को आपको करना है। आप देख लीजिएगा किस तरीके से आप उसको करेंगे, वो क्योंकि प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, और चूंकि आप डिजिटल सिस्टम पढ़ के आ रहे हैं तो ये चीजें आपकी डायरेक्टली कवरअप होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए 7 + 6 = 13 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, 7 के लिए जो बाइनरी होते हैं वो लिखना है, और जो आपके 6 के लिए बाइनरी होता है वो हमें लिखना है, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसको ऐड करना है। तो 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। 1 + 1 क्या होगा, 0 होगा। और कैरी आपका क्या होगा, 1 होगा। अगर आपने डिजिटल सिस्टम पढ़ा होगा तो 111 अगर रहेगा तो उस कंडीशन में जो आपका एडिशन होता है वो 1 होता है और जो कैरी होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 + 0 + 0 करेंगे हम लोग, क्या आएगा, 1 आएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपका एक ओवरफ्लो कंडीशन है। क्लियर? तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सेकंड आपका -7 और -6 दिया हुआ है, जो कि -13 है। तो चूंकि हमने क्या किया, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया है, यहाँ पे प्लस आ गया है, और ये चीजें हमने क्या की है, इसको एग्जीक्यूट किया है। चूंकि जो माइनस वाला कंडीशन था वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, तो वहां से आप उसको कर लीजिएगा किस तरीके से, वहां पे आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ से बाइनरी में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एडिशन का रूल अप्लाई कर देना है, और वहां पे जो कैरी वाला चीज आता है वो कैरी वाली जो एक्टिविटीज होती है वहां पे आप उनको ऐड कर देना है आपको। और फिर इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, और चूंकि इन सारे टॉपिक्स को जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। और कुछ पॉइंट्स है जिनका कवरअप करना आपके लिए जानना जरूरी है, जिसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि नॉर्मल बाइनरी एडिशन, यानी ये नॉर्मल बाइनरी एडिशन है, एंड मॉनिटर साइन बिट फॉर द ओवरफ्लो कंडीशन, एंड टेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्सटेंट एंड एट द मैग्नीट्यूड। ओके, यानी a - b = हम क्या लिख सकते हैं, a+, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में हम माइनस लिख सकते हैं, एंड सो वी नीड एडिशन एंड कॉम्प्लीमेंट सर्किट, यानी इसीलिए हमें जो एडिशन और कॉम्प्लीमेंट सर्किट है उसकी जरूरत होती है। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें कवरअप हो चुकी होंगी आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।